आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर पटना। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर टीडी करप्शन। इसके मद्देनजर रखते हुए हम पीएनबी स्कैम में संलिप्त मेहुल चौकसी पर लगातार नजर जमाए हुए हैं और आपको खबर अपडेट करते रहे हैं। दरअसल डोमिनिका कोर्ट ने पुलिस से कहा कि चौकसी को अदालत में सामने पेश करें, पर मेहुल के वकील का दावा है कि प्रत्यर्पण पर फैसला नहीं होगा। आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को आज डोमिनिका की अदालत में पेश किया जाएगा। उसके वकील की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिए। बुधवार रात इस मामले पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने पुलिस पर अपने वकील को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। सरकारी वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, चौकसी गैर कानूनी तरीके से देश में घुसा, लिहाजा उसको हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि बुधवार को सुनवाई में क्या हुआ। मेहुल चौकसी की तरफ से उसके वकील विजय अग्रवाल और पुलिस की तरफ से सरकारी वकील पेश हुए। मेहुल के वकील ने कहा, मेरे क्लाइंट को अगवा करने के बाद जबरदस्ती डोमिनिका लाया गया। कानूनी तौर पर उसे 72 घंटे में कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए था। पुलिस ने ऐसा नहीं किया। सुनवाई उसे कोर्ट में पेश करने पर होनी चाहिए, उसको भारत भेजने के लिए नहीं। कोर्ट के सामने उसकी नागरिकता का भी सवाल नहीं है, उसे एंटीगुआ वापस भेजना चाहिए, यहाँ उसे खतरा है। सरकारी वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि चौकसी ने गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में घुसा, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, पुलिस उसे 72 घंटे में पेश करने के लिए बाध्य नहीं है। चौकसी को पुलिस हिरासत से निकाल कर एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सुनवाई देखी। कोर्ट ने आदेश दिए कि अफसर चौकसी को कोर्ट की तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराएं। चौकसी के वकील ने कहा, हम उसकी सिक्योरिटी पर होने वाला खर्च उठाने को तैयार हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए कि चौकसी के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अगर गुरुवार को कोर्ट चौकसी के खिलाफ कोई ऑर्डर जारी करती है तो वो इस पर अदालत चुनौती दे सकता है। वो 23 मई को अचानक एंटीगुआ से लापता हो गया था। यहाँ उसने 2018 में नागरिकता ले ली थी। 2 दिन उसे डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था। चौकसी के वकील का आरोप है कि उनके क्लाइंट को एंटीगुआ के लॉजी हार्बर से किडनैप किया गया। किडनैपर्स एंटीगुआ और भारत के लोगों जैसे लग रहे हैं। उसे वोट से डोमिनिका लाया गया, यहाँ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अफसर उसकी नागरिकता संबंधित दस्तावेज को जांच कर रहे हैं। इस बीच एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें कहा गया है कि मेहुल के ने नागरिकता संबंधित जानकारी छिपाई थी। चिट्ठी में कहा गया है कि मेहुल चौकसी ने तथ्यों को छुपाया और अपने मामलों को गलत तरीके से पेश किया। 14 अक्टूबर 2019 को लिखे खत में ब्राउन ने कहा था कि मैं एंटीगुआ और बारबुडा नागरिकता अधिनियम कैप 22 की धारा 8 के मुताबिक एक आदेश देने का प्रस्ताव रखता हूं, ताकि आपको सामग्री तथ्यों को जानबूझकर छिपाने के आधार पर एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता से वंचित किया जा सके। उन्होंने लिखा था, मैं आपको एंटीगुआ और बारबुडा नागरिकता अधिनियम की धारा 10 के तहत जांच करने के आपके अधिकार और इस जांच में अपनी पसंद का कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अधिकार भी सलाह देता हूं। आपको इस नोटिस के प्राप्त होने के 1 महीने भीतर जवाब देना होगा। विपक्षी पार्टी के नेता 1.5 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप है। यहां के विपक्षी दलों पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी की मदद कर रहे थे, जिसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी हो चुका है। हालांकि विपक्षी नेता लेनॉक्स लिंटन ने चौकसी के भाई चेतन के मुलाकात की बात से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने चेतन को ना कभी देखा, ना मुलाकात की और ना ही उससे पैसा लिया। चेतन पर आरोप है कि उन्होंने लिंटन को $2,00,000 रिश्वत दी और अगले चुनाव में फंडिंग का वादा किया। आरोप लग रहे हैं कि मेहुल का भाई डोमिनिका के विपक्षी सांसद को रिश्वत देकर उन्हें रिहा कराने और एंटीगुआ भेजने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में मेहुल के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मेहुल के भाई ने डोमिनिका के विपक्षी नेताओं से बातचीत की है। लोग तमाम तरह के झूठ बोल रहे हैं। मेहुल का भाई यहाँ उनकी सेहत का हाल जानने के लिए आया है। वैसे आपको बता दें कि डोमिनिका में पहुंची सीबीआई और ईडी के अफसर मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने के लिए बैंकिंग फ्रॉड मामले में सीबीआई की चीफ शारदा राउत के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम डोमिनिका पहुंच गई है। उन्होंने पीएनबी धोखाधड़ी मामले की जांच की अगुवाई की थी। टीम ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और
सीआरपीएफ के दो दो सदस्य शामिल हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यह 28 मई को ही वहां पहुंच गई है और हाईकोर्ट में 2 जून को होने वाली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की मदद भी करेगी। फिलहाल आगे क्या क्या होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।